जी असलकम स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स मेस्टर बॉटनी जेनेटिक्स वन इसका आज फॉर्मली uh, uh, दूसरा लेक्चर है एक्चुअली तीसरा है तो इसमें हम जो टॉपिक uh, पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि जो इस्टेब्लिश्ड रूल्स हैं प्रिंसिपल्स हैं जेनेटिक्स के वहाँ से डेविएशंस कैसे होते हैं ऑडिशनल फैक्टर्स कैसे काम करते हैं तो आज हम जो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस है वहाँ से डेविएशन कैसे होती है उसको हम पढ़ेंगे बुनियादी तौर पे मेंडल का काम जो है वो आ, उसने बहुत सारे लॉ दिए जिसमें एक लॉ ऑफ या प्रिंसिपल हम हमने कहा था कल के इसको हम प्रिंसिपल कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट है और प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है प्रिंसिपल डोमिनंस uh, बहुत इम्पॉर्टेंट है उस वक्त जीन्स का हमें नहीं पता था और मैंडल uh, ने यह कहा था कि हर करैक्ट्रिस्टिक uh, को दो अलील कंट्रोल करते हैं तो एक अलील जो है अलील का मतलब होता है जिसको आप यूँ कह सकते हैं कि कंपेनियन जिसको आप हम उसकी जब डेफिनेशन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मेंबर ऑफ ए जीन पेयर अब हमें पता है कि वो जीन जो है बुनियादी तौर पे जीन ही है जिसको उसने लील कह दिया था और वो जीन्स जो हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम और जो होमोलोगस क्रोमोजोम हैं उनके ऊपर होते हैं एक एक होमोलोगस के ऊपर होता है एक दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के उसके पेयर के मेंबर के ऊपर होता है ठीक है जी अब हमारे पास लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस उसने ये कहा था मैंडल ने कि जब एक जीन जो है दो लील एक ही लोकस के ऊपर काम कर रहे होते हैं जब गैमीट बनता है और एक लील मेल की तरफ से आता है एक फीमेल की तरफ से आता है प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी तो वहाँ पर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक अगर तो दोनों लील के ऊपर जो फैक्टर्स हैं वो एक जैसे हों तो देन तो आ, कोई इशू नहीं है और उसमें जो आ, उसको उसने होमोजाइगस कहा है ठीक है दोनों अलील अगर एक जैसे हैं तो उसको उसने कहा है कि ये होमोजाइगस हैं और अगर होमोजाइगस हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर जो रिज़ल्ट है वो वही होगा जो जिसके वो अलील्स हैं अच्छा अगर हेट्रोसाइकस कंडीशन है बाज़ात ये होता है कि एक अलील जो है वो डिफरेंट है और दूसरा लील उससे डिफरेंट है तो जो लील फीनो के अंदर अपीयर हो जाएगा उसको हम कहेंगे वो डोमिनेंट है इसकी एग्जांपल जब आपने पी प्लांट के अंदर पढ़ी थी तो आपने देखा था कि जो राउंड सीड शेप है वो डोमिनेंट है ओवर रिंकल के ऊपर और आपने ये कहा था कि टॉल जो हैं वो डॉर्फ प्लांट के ऊपर डोमिनेंट है इसी तरह से हमने ये पढ़ा था कि जो पी कलर है येलो पॉट कलर है वो डोमिनेंट है ओवर ग्रीन पॉट कलर के तो जो फिनोटाइप में हेट्रोजाइगस कंडीशन में ज़ाहर होगा करेक्ट्रिस्टिक वो उसको हमने कहा था वो डोमिनेंट है। ठीक है जी अब एक और जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था वो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था उसने देखा कि बाज़ कुछ पी प्लांट्स हैं जो पहले फ्लारिंग करते हैं जो कुछ उससे बाद में करते हैं तकरीबन तो 20 दिन का फ़र्क है उनके अंदर तो जब उन्होंने उसने दोनों को क्रॉस करवाया तो जो एफ़ वन थी वो इंटरमीडिएट टाइम पे उसने फ्लॉरिंग की तो ये बड़ी अजीब व गरीब बात थी अगर उसमें से कोई एक ट्रेड जो 20 दिन पहले फ्लॉरिंग करता है या बीस दिन बाद करता है जो उसमें से अगर कोई एक ट्रेड डोमिनेंट करता तो उसका ये मतलब था कि वो कंप्लीट डोमिनेंट है लेकिन जो एफ वन आई वो बिल्कुल ही इंटरमीडिएट थी तो नतीजा ये है कि उसने अंदाज़ा लगाया कि कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो काम कर रहे हैं और बाज़ का जो हैट्रोजाइगस है वो कंप्लीट डोमिनेंस नहीं देते बल्कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है उसमें उसके लिए बहुत सारी जो एग्जांपल्स हैं आपने पढ़ी थी कि कुछ पौधे हैं वो अगर रेड फ्लावरिंग फ़्लावर्स हैं उनमें और वाइट फ्लावर है और अगर उनको आप क्रॉस करवाएं तो या तो उसमें हाइट्रोजाइगस के थ्री इज टू वन की रेशो होनी चाहिए एंड जो जीनो है वन इज़ टू टू इज टू वन की रेशो होनी चाहिए जो आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट तो या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपको पता है लेकिन आ, उसने देखा कि जो रेशो आ रही है प्लांट्स की जो फिनो के अंदर वो थ्री इज टू वन तीन जो है वन इज टू टू इज टू वन है थ्री इज टू वन नहीं है एक प्योरली रेड है दो पिंक के डिफरेंट शेड्स हैं और एक जो है वो बिल्कुल वाइट है अब ये जो हैड्रोसाइकस हैं वो इन जो जो इंटरमीडिएट है उसको उसने कहा कि ये इनकम्प्लीट है तो उसके लिए बहुत सारी जो सिंबल्स हैं यूज़ किए जाते हैं उसने ए वन ए वन और ए टू ए टू किया ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो बजाय इसके कि वो स्मॉल ए और कैपिटल ए यूज़ करते ठीक है जी सो so, इसको हमने कहा ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है जरूरी नहीं है कि बिल्कुल पिंक के खास तरह का कलर आए बहुत सारे उसमें शेड्स आ जाते हैं और उसका मतलब है कि इंटरमीडिएट है बट प्योर वाइट और प्योर जो रेड है वो वो हैट्रोजाइकस नहीं होता ये आप देखें कि जब उसने रेड फ्लावर्स को वाइट फ्लावर्स के साथ क्रॉस करवाया है जो रेड है ए और ए उसने कहा ए और ए कहा और इसको रेड डोमिनेंट है और वाइट जो है वो आ, रिसेसिव है ठीक है ये वाइट डोमिनेंट उसने कह दिया रेड डोमिनेंट वाइट डोमिनेंट इसलिए कैपिटल ए का आ, जो है जिसको आप यूँ कहें कि उसने आ, सिंबल यूज़ किया अब जब इनको इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब इनको क्रॉस दोनों को करवाया है तो हमारे पास जो हैट्रोजाइगस आई है कंडीशन वो आप देखें कैसी है वो पिंक है सूलन अगर ये रेड वाइट के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट होता तो ये प्लांट जो है हमारे पास वो कंप्लीटली रेड uh, आने चाहिए थे ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी इस तरह से जो uh, एग फ्रूट है जिसे हम आमतौर पे ब्रिंजल बैंगन कहते हैं उसमें आप देखें एक पर्पल वैरायटी होती है और एक वाइट होती है और इन दोनों को अगर हम आपस में क्रॉस करवाएंगे तो इसमें हमारे पास इंटरमीडिएट वैरायटी जो है वो हैट्रोजाइगस कंडीशन में प्रोड्यूस होती है असूलन और जब एफ़ वन कंडीशन के अंदर आप देखें कि जो प्योर आ, ब्रीड है वो या तो पर्पल है या वाइट है और जो इंटरमीडिएट है वो लाइट पर्पल uh, uh, या वायलेट कलर के हैं तो इसको उसने कहा कि इसका मतलब कि देर आर मैनी अदर फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग और उसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है डोमिनेंस कंप्लीट नहीं होती अब ये फैसला करना कि वेदर रेड इज अपेयरिंग और वाइट इज नॉट अपेयरिंग तो ऐसा इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते हो सकता है वाइट जो है वो रेड के अपेरेंस को जो ब्लॉक कर रहा है या रेड जो है वो वाइट की अपेरेंस को ब्लॉक नहीं कर पा रहा तो इसलिए हमारे पास इंटरमीडिएट कलर्स आ जाते हैं ये बहुत सारे एनिमल्स के अंदर भी हैं उसने कहा है कि अगर हम जो बाज़ात जो ये चिकन्स होते हैं या फ्रू जो मुर्गियां हैं उनमें अगर हम उनको क्रॉस करवाएं आ, जो वाइट और आ, आ, ब्लैक को तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आएगी वो ग्रे है मोस्ट ऑफ द टाइम जो हैट्रोसाइकस करेंगे एफ वन सारी की सारी ग्रे होगी और एफ टू के अंदर वन इज टू टू इज टू वन रेशियो आ जाएगी तो वहां भी इनकम्प्लीट होना ब्लैक इज नॉट कम्पलीटली डोमिनेंट ओवर वाइट एंड वाइट इज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर ब्लैक अगर ऐसा हो तो फिर तो हमारे पास थ्री इज टू वन की रेशियो होनी चाहिए फीनो टाइप की बात हो रही है लेकिन की रही है। तो ये आई थिंक ये आपको अब काफी हद तक क्लियर है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ये हम पहले भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हमने और ली हैं और उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम को डोमिनेंस uh, uh, करेंगे और को डोमिनेंस की एग्जाम्पल भी अभी तक आपको याद होंगी जो एफ एस सी के अंदर हमने की थी और हम उसको मजीद रिवाइज करेंगे थैंक यू वेरी मच